क्या सच में दिल्ली में पानी की पाइपलाइन से लीकेज हो रहे हैं? आपने भी ये ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें दिल्ली की टूटी पाइपलाइन दिखाई जा रही है। कई जगह भाजपा द्वारा भेजे गए लोग ऐसे वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। ये पानी की पाइप इस तरह से टूटी पड़ी है। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली के लोग खुद पानी की लाइन के साथ साथ कई किलोमीटर चल कर गए। तो लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जहाँ से साउथ दिल्ली के लिए पानी की लाइन जा रही है, तो इस शख्स ने क्या देखा? मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में रहता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं लक्ष्मी विधानसभा में हूँ और यहाँ ये पाइपलाइन जा रही है जो साउथ दिल्ली के लिए जा रही है, इसमें कहीं पर भी लीकेज नहीं है। कई किलोमीटर पानी की लाइन के साथ चलने के बाद लोगों ने पाया कि भाजपा का वीडियो पूरी तरह झूठा है, क्योंकि गांधीनगर में भी यही तस्वीर देखने को मिली। मैं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहता हूँ, तो मैं खुद 2 किलोमीटर तक की पाइपलाइन के साथ चल के मैंने वीडियो बनाया और खुद देखा कि पानी की पाइपलाइन जो कहीं से भी लीकेज नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाजपा के फेक वीडियो में लीक हो रहे पानी का सच क्या है? इसके बारे में जानकारी मिली कि खुद भाजपा के लोग पानी लीक करके वीडियो बनाते हैं। मैं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहता हूँ, मैंने खुद 2 किलोमीटर पाइपलाइन के साथ चल कर देखा, कहीं भी पानी की लीकेज नहीं दिखाई दी। आप कुछ देख लीजिए। पाइपलाइन के साथ यूं छेड़छाड़ करने वाले पर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ भाजपा के लोग हरियाणा से दिल्ली का पानी रुकवा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में इस तरह पानी की पाइप को नुकसान पहुंचाकर फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इन्हें दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो भी दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी में तड़पा कर।